इंसर्टिंग ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन हम जैसे इंसर्ट करते हैं उसके बारे में लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, और साथ ही में हम लोग एनिमेशन को भी पढ़ेंगे। हमें एनिमेशन इस्तेमाल करना हो तो कैसे करते हैं, तो आइए हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि एनिमेशन का इस्तेमाल अपने स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें एनिमेशन और ट्रांजिशन का यूज कैसे करते हैं हम लोग। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ हम सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, यहाँ हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल गया। यहाँ क्लिक करने के बाद पावर पॉइंट को हम सर्च करेंगे, तो आप इसको स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करके आप नीचे लेके आएंगे तो आपको पावर पॉइंट यहाँ से दिखेगा। पावर पॉइंट पर हमने क्लिक कर दिया, पावर पॉइंट यहाँ ओपन हो गया, इसे हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक, पावर पॉइंट ओपन होने के बाद हमें इन दोनों मेनू के बारे में पढ़ना है, ट्रांजिशन और दूसरा है एनिमेशन। ठीक है, ये दोनों इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने प्रेजेंटेशन में कैसा इफेक्ट देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं, हम अपने स्कूल का नाम लिखते हैं जेनिट कॉन्वेंट स्कूल। ठीक, स्कूल का नाम हो गया, पूरा एड्रेस अगर आप देना चाहते हैं नंदा नगर, आगे हमने लिखा गोरखपुर। यहाँ आप चाहें तो कुछ और भी आप लिख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज हम इसको छोड़ दीजिए। हम इतने पर ही दिखाते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन की बात करते हैं, ट्रांजिशन हो गया, ये इतने तरह से ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ चेंजिंग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा जब हम यहाँ पुश पे क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये आपका होता है ट्रांजिशन इफेक्ट। देखिए जैसे हम चेंज कर रहे हैं यहाँ स्प्लिट, यहाँ आपका देखिए जैसे हम क्लिक कर रहे हैं वैसे ये चेंज होते चला जा रहा है सेप। ठीक, अब यहाँ इफेक्ट ऑप्शन भी आता, किस तरह से आप इफेक्ट ऑप्शन देना चाहते हैं। यहाँ देखिए डायमंड इन आउट प्लस, ठीक है, ये होता है हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट। इसका प्रैक्टिकल आप लोग अपने घर के कंप्यूटर में करके देख लीजिएगा। दूसरा है यहाँ एनिमेशन, ये तो था हमारा इफेक्ट, ट्रांजिशन कैसे हम करते हैं। दूसरा है एनिमेशन, हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा सा हम डिज़ाइन यहाँ बना सकते हैं। हमने सिंपल यहाँ केवल स्कूल का नाम लिखा है, अब यहाँ आपने खूब अच्छा डिज़ाइन अपने प्रेजेंटेशन के लिए किया है, हम कैसे उसको किसी भी यूजर के सामने डिस्प्ले करना हो तो किस मोड में हम उसको एनिमेट करें कि उसको अच्छा लगे। तो यहाँ देखिए हम जैसे क्लिक करेंगे वैसे इसका एनिमेशन चेंज होता चला जाएगा। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए कैसे इसका इफेक्ट चेंज होता है। ठीक है, हमने स्केच को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, हमने यहाँ क्लिक किया इस मॉडल में आ गया, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, देखिए जैसे क्लिक करें उसी पैटर्न पे हमारा एनिमेट हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस आकार में आ गया। इफेक्ट ऑप्शन किस तरह का चाहिए, जैसे देखिए हमने यहाँ इस पर क्लिक कर दिया, ठीक, हमने इस यहाँ क्लिक किया, जैसे हम कर रहे हैं वैसे इसका ऑप्शन चेंज होते हुए चला जा रहा है। ठीक है, ये था आपका ट्रांजिशन और एनिमेशन का इफेक्ट कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो हम अट्रैक्टिव अपने प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम इन दोनों चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक बार आप लोग प्रैक्टिकल करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा।